मानसा में पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये कोई मामूली कर्मचारी नहीं, इसमें मानसा के ADC गुरमीत सिद्धू और DDPO दिनेश कुमार हैं, जो अपनी ही सरकार के खिलाफ बाजू उठाकर नारेबाजी कर रहे हैं। सबसे ऊंचा नारा लगाने वाला मानसा का DDPO दिनेश कुमार है, जो इससे पहले समाना में BDPO के पद पर तैनात रहे हैं। इस जवान ने 1,68,00,000 रुपए का घपला किया था, जिस पर मामला दर्ज हुआ था। मगर पंजाब सरकार की कृपा देखिए कि इन्होंने इस जनाब को मानसा में DDPO लगा दिया, मगर जनाब फिर भी पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि ये मांग कर रहे हैं कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष और 50 पंचों सरपंचों पर मामला दर्ज हो सके। मामला मेरे ख्याल सारे नु पता लग चुका, क्योंकि सब अखबारों च आ गया। बस मैडम मंजूर सिंह क्योंकि ये नाल वर्कर आए सी, थोड़े जे गुंडा लाइक टाइप लोग भी सीगे, उन्होंने बदसलूकी की ADC साहब ने बहुत ज्यादा। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, ओदे विच ये पंजाब लेवल दा धरना। डिमांड साडी की है? डिमांड साडी आई है कि जेड़ा दोषी ओदे खिलाफ FIR दर्ज हो बनदियां धाराओं तक। ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ DDPO ਦਿਨੇਸ਼ ਬਸਿਸਟਾ ਜਿਹੜਾ 1,30,00,000 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ, FIR ਨੰਬਰ 111 ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? 22 ਡੇਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਉੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੜਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ 22-28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। सरासर झूठ है जी, कोई बंधक नहीं बनाया। असी साइकिल रेहड़िया वास्ते तो मशीन वास्ते एप्लीकेशन दिखाई गई थी बंसल साहब के दफ्तर वालों, सरपंचों की मौजूदगी बाकायदा पंचायत दी लैटर पैडां ते लिख के 2-3 महीने पहला असी दिते सीगे। उन्होंने इन्होंने इगनोर करता। उस संबंध में असी जाके मैडम जी के नाल जाके ब्लाक प्रधान असी गए, दोने सरपंच सीगे पंच सीगे, यही पूछा जी उन्होंने भी जिहड़ियां साडे वाली एप्लीकेशन है जी, भी उन्होंने तुसीं दरकनार क्यों किया, इगनोर क्यों किया, भी साडे बंदे नूं विच क्यों नहीं लिया गया। तो इस करके इन्होंने सारे जो एप्लीकेशन लाए जी, कोई हथोपाई नहीं हुई। उदू बाद यही ADC साहब SHO साहब के नाल आके, 2 SHO सीगे ते अपना DSP साहब सीगे पन्नू जी, उन्हां दे नाल आके इन्होंने धरना बाकायदा चुका के गए ने। कोई इन्होंने असं हथोबाई नहीं की। आम एक गल की बहस जरूर हुई है भी तुम्हें सानू इगनोर क्यों किया, भी जोड़े साडे सरपंचों ने लिस्टा भेजिया सगिया, भी तुम वह सैकलियाँ ज मशीन क्यों साडे बंदे नूं क्यों नहीं भरोसे चले। अज कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद के नारे लाए है अफसर ने, DDPO ADC सारे ने, की कहोगे दे बारे पंजाब सरकार दे? पंजाब सरकार दे तां इही है जी, साडी सरकार ने इन्हां नूं एडे वड्डे अहुदे दे के नवाजा है। करप्ट लोग ने इन्हां जिन्हां ते 1.5-1.5 करोड़ रुपये के जिन्होंने घपले किए ने DDPO होने के दौरान, अज जो इन्हों एडिया लीडरियां नवाजतियां साड़ी सरकार ने, इन्होंने लाउनी है। ये साड़ी सरकार की बदकिस्मती है जिन्होंने मानसा के लिया के एडे करप्ट जो अफसर ने लाए ने, ये साड़ी सरकार ने देखना चाहिए भी जो करप्ट लीडर ने मानसा के लाने ने, पिछे इन्होंने एडे घपले किए ने 1.5 करोड़ का, 1,60,000 करोड़ का इन्होंने परचा जो दर्ज है समाने जो ये DDPO से उस टाइम के उत्थे 14 के अज इन्हों लिया के DDPO मानसा लाता। किसी सरपंच को यह सीधा नहीं बोलता जो कोई दफ्तर के जाता है, यदा जो बोलने का वतीरा यदा भी बहुत ज़्यादा कोई चंगा नहीं है। साड़ी पिछले 7 दिन की कोई डिमांड है, तुम्हें खुद को भी पता शायद मानसा के मीडियम थोड़ा घट पता है कि जेड़े भी दोषियों ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया उन्होंने खिलाफ FIR दर्ज हो, अरेस्ट हो, एक छोटी जी मंग है सर। बार बार स्टेज तो एक अनाउंसमेंट की जा रही है कि 2 तरह की लड़ाई सी ADC नु निशाना बनाया, नो कोई 2 तरह की लड़ाई नहीं सी। साडे लिए कांग्रेस सरकार वालों जो भी हदायत होंदिया ने कि जो भी हलका इंचार्ज ने MLA ने जिला कांग्रेस प्रधान ने उन्होंने नुमाइंद कोई भी फंक्शन होगा उसे बुला हों, साडे ADC साहब ने DC साहब ने हर एक नुमाइंद हर एक जो इन्ह का सरकार का नुमाइंदा जिले के उन्होंने उत्तर इनवाइट किया, परंतु उत्तर मैडम लेट आए, फंक्शन खत्म हो चुकया, इस करके मैडम ये चाहते थे कि यह फंक्शन डिले हो जाए, 2 दिन पोस्टपोन हो जाए, जो कि पोस्टपोन करना पॉसीबल नहीं मौके पर, क्योंकि गरीब लाभपात्री आने से वो बेचारे दूर किराया ला के आए थे, तो उन्होंने दोबारा मैसेज लाना कि 10 घंटे पहला 24 घंटे पहला कि जी फंक्शन में पोस्टपोन कर रहे हैं, वो पॉसीबल नहीं सी, इस करके फंक्शन असं पोस्टपोन नहीं कर सके। जो भी DC प्रशासन से जिला मानसा
सकता। तो बाद मैडम ने आके जो बदतमीजी की एडीसी डी साहब ने वो तुम सारे पता ही है कि दो घंटे बंदी बना के रखे आ, लाइट पानी बंद किया, वाशिंग का करीबन के जान दिता गया। सारिया जथेबंदियां मतलब ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई हुई है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी वालों जो भी फैसला होगा वो तुम असं दस देवे। फिलहाल साडा अज स्टेट कवर करना सीगा, इस तो बाद सानू सरकार वालों ये सवेर का यह कहा जा रहा कि अभी साढ़े को चंडीगढ़ आओ मीटिंग करो साढ़े नाल। अच्छ सवेरे 9 बजे भी बुलाया से, उन्हों का बुलाने का मकसद यही है कि साडा यह धरना सैबोटाइज हो गए। वो चाहते कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी उत्थे जाए तो धरना इतने इन का सफल ना हो, पर असं इस गलते नहीं मानने। तो हूँ असं शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे जिन्हें भी बजे जा सकते हो सारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जाऊगी, उत्थे जा के गलबात करूगी। जेकर साडियां मनी जाती है साडियां जिते मन इंसाफ मिलता तो असं उत्थे फिर फैसला ज्वाइंट एक्शन कमेटी मौके पर लो। एनस्टार न्यूज़ के लिए मानसा से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट।